always have something which has name gentle. So something which will be gentle on your skin, it will not have any effect. क्योंकि बहुत ज्यादा acne prone skin के साथ क्या होता है ना, आई हैव लाइक suffered from acne, hormonal acne, and then I had chicken pox, वो भी adulthood में. तो इतना ज्यादा insecurity कर देती है वो चीजें, क्योंकि you see scars on your face और वो बहुत ज्यादा threatening होते हैं. मतलब आपको हमेशा जेंटल चीजें लेनी चाहिए. और उसके बाद मेरे को acne होना चालू हो गया, and then I started visiting dermats. Certain dermats are really good, but certain कि उन्होंने एक timeline बना दी कि acne है ना तो you have to use steroidal creams. अब steroidal creams का क्या होता है, आप लगाओगे आपकी स्किन पील होने लग जाएगी. मतलब सफर क्या होगा कि यहाँ से स्किन फट रही है या कुछ हो रहा है. और ऑल दो उसको लगाने का बेस्ट तरीका क्या है, मतलब वॉट एवर योर पिंपल क्रीम इज यूजिंग, ईयरबड होता है वो लो, उसके ऊपर डैब करो एंड जस्ट लीव इट देयर. और अगर आपको ये है कि मे बी मैं मतलब सो के मैश कर देती हूँ उसको, यूजली सब हम मैं भी उल्टी सोती हूँ, ऑलमोस्ट मे बी पब्लिक ऐसे उल्टा ही सच करके सोती है, तो वो क्या होता है स्किन केयर फिर करने का फायदा नहीं होता है. स्पेशली हम एक्ने प्रोन स्किन की जब बात कर रहे हैं तो उसको लगाओ एटलीस्ट जैसे आप कुछ मूवी देख रहे हो या कोई भी नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख रहे हो और आपको पता है ये 2 आवर्स की है, लीव इट देयर और उसके बाद उसे वॉश ऑफ करना. 2 आवर्स में उसका असर भी हो जाएगा एंड ये भी नहीं होगा जो अनएफेक्टेड एरिया है जिसमें एक्ने नहीं है उस पर भी नहीं लगेगा वो. चित्रा जी, आपने जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीज़न है कि लोगों को, लड़कियों को डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और सबसे ज़्यादा होती हैं, सबसे ज़्यादा मतलब नर्वस वो तब होती है जब उनकी शादी आने वाली होती है. तो कपड़ों को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपनी स्किन केयर को लेकर के, अंदर हेल्थ केयर को लेकर के, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस होती हैं. तो यू कभी कभी ये चीज़ें आम जनता में नहीं बताई जाती या वीडियोस में नहीं दी जाती या चैनल्स में नहीं दी जाती, तो हमने इसलिए ये पूरा ऑर्गेनाइज किया जिससे हम 1-on-1 उनको बता सकें कि कैसे होता है ये सब. एंड सीरम्स का क्या है, सीरम बेसिकली क्या है कि बहुत ज्यादा हाइलुरोनिक एसिड, आई थिंक रोज वाटर्स एंड दीस मिस्ट आर वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल. किसी जो थोड़े केमिकल टोनर्स आते हैं ना, एक प्रॉपर किसी एक चीज को, आई थिंक सम ब्रांड सेल जो एक्ने के टोनर्स होते हैं, आई थिंक दैट डोंट वर्क. मैं खुद पर्सनली ट्राई किया, नहीं करते. तो रोज वाटर एंड दीस मिस्ट ट्राई करो. जैसे हमने भी एक जो कोलैबोरेशन के साथ किया है, द स्पॉन्सर लवर, जो उन्होंने, तो उनका प्योर डिस्टिल्ड रोज वाटर है, इट डजंट हैव एनी अल्कोहल. क्योंकि अल्कोहल फेस पे डालोगे तो द वे इट डिहाइड्रेट्स योर सेल्फ फ्रॉम विद इन व्हेन यू ड्रिंक अल्कोहल, द सेम वे इट डज ऑन योर फेस, वो स्किन को भी डिहाइड्रेट करके. एंड समटाइम्स वो जो इचिंग फीलिंग होती है ना कि टोनर्स लगा के स्प्रिट्स करके हम सोचते हैं वो काम कर रहे हैं, मे बी इट्स like doing its work, but it's not doing its work, it's really affecting you. And usually क्या होता है कि चीज़ें मार्केट भी ऐसे करी जाती है कि थोड़ी देर के लिए ना स्टिंग करेगा, but it will be fine. और थोड़ी देर it's not stinging, it's affecting your skin. But no one says all this, क्योंकि फिर उनके projects कैसे बिकेंगे. बहुत सारे ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो नकली भी होते हैं, फेक भी होते हैं. तो इसके लिए क्या है कि जो बनाने वाले हैं वो तो बनाएंगे, क्योंकि उनका काम है, उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना. और लोग कैसे बचे उससे? लोग कैसे बचे कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को पता होना पड़ेगा कि उसको पढ़ना आना पड़ेगा. जैसे अगर सपोज अगर हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो हम पीछे इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है, इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें कार्ब्स कितने. ऐसी आप जो चीज़ें ले रहे हो उसको देखो कि वो मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ है, वो बना कहाँ पे है. ये नहीं कि किसी ने अपने घर पे जाके बना दिया, ठीक है. तो इससे बहुत से लोगों को नुकसान भी होता होगा. इससे बहुत से लोगों को नुकसान होता है. दो तरीके की सनस्क्रीन होती है, वन इज फिजिकल, वन इज केमिकल. केमिकल वन इज दैट कि अगर आप पे रेज आ रही है तो फिर वो उसको वहीं पे ही रोक देता है. और फिजिकल क्या होता है, दे डोंट लेट इट पेनिट्रेट. तो फिजिकल इज मोर हेल्पफुल. कहीं पे भी आप सनस्क्रीन देखोगे ना तो उसके नीचे लिखा होगा फिजिकल और मिनरल सनस्क्रीन. जिंक ऑक्साइड एक मेजर चीज होती है जो होनी चाहिए आपके सनस्क्रीन में, जो मतलब इफेक्ट कर, बैरियर बन जाता है कि सन को प्रोटेक्ट ही कर देता है. एंड फिजिकल सनस्क्रीन क्या होती है, वो आने देती है बट दे लाइक डोंट लेट इट इफेक्ट योर स्किन. एंड विटामिन सी सीरम एंड सनस्क्रीन, दे आर द बेस्ट जोड़ी, दे आर लाइक रणवीर एंड दीपिका. ये अलग अलग भी ब्लॉकबस्टर देते हैं, ये इकट्ठे भी ब्लॉकबस्टर देते हैं. बट इफ यू वांट रिकमेंडेशन, आई थिंक न्यूट्रोजिना इज द वन व्हिच आई एम करंटली यूजिंग एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट. और इफ यू वांट कि केमिस्ट के पास जाके लेनी है तो दे हैव लाशीट. मिशन को लेके आप कहाँ तक जाना चाह रहे हैं, आपका क्या एम है? हम सोच रहे हैं, जैसे अभी हमने बहुत छोटा सेगमेंट ये 40 लड़कियों का कवर किया है, हम और ज़्यादा स्टेट्स में कवर करना चाहते हैं, इंटरनेशनली कवर करना चाहते हैं. क्योंकि इंडिया की जो चीज़ें हैं ना, जैसे आयुर्वेदा, वो अब
बाहर के लोग अब अपना रहे हैं, हमें तो कितनी पहले से पता है, और अब जाके वो उसी आयुर्वेदा के बेसिस पे चीज़ें बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मुंह पे लगाने वाली चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन हमारी चीज़ें नॉलेज बाहर के लोगों को नहीं पता और हम कुछ ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं उनकी नॉलेज से, जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो हाँ, इसलिए हमें अपनी नॉलेज उनको देनी चाहिए बजाय कि उनकी नॉलेज अपने देश में लाने से। कहते हैं ना कि ट्राइड एंड टेस्टेड होनी चाहिए, तो जो चीज़ें आपके माँ बापों या आपकी दादी या नानी इन सब ने यूज़ करी हुई है, तो वो सब चीज़ें समझ के आए हैं, तो इसलिए उन चीज़ों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो उन्होंने बहुत बारी देखी हुई हैं, वो उन्हें समझ है उस चीज़ की, तो इसलिए वो आगे बता रहे हैं। हल्दी का दूध, ये सब चीज़ें ये सालों से चलती आ रही हैं और सालों तक चलती रहेंगी, क्योंकि इसमें क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, ये हमारी अपनी उपज है, ये किसी और से नहीं लाई गई, ये अमरीका या इंग्लैंड या कहीं से नहीं है, ये भारत की थी, ये बाहर भारत की रहने वाली है, इसलिए हमेशा जो जिनको एक्सपीरियंस है उनसे पूछें, और वो एक्सपीरियंस आपको घर में भी मिल सकता है, आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपने कहते हैं ना कि अपनी माँ की बच्चे नहीं सुनते, लेकिन इस चीज़ों के लिए तो सुनना चाहिए, क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा पता है। So that's the thing about skincare. If you still have any doubts, you can ask her, and then we'll move forward to the hair care, because dry skin hair color and hair care is also. So ab hair color kya hota hai ki sabko bahut pasand aate hain, acche lagte hain, karana bhi chahiye, but hair care bahut zyada important hoti hai, theek hai? To maine I think the safest option, agar aapke baal black hain and you want hair color, I think caramel brown is the one. You should definitely try. बिकॉज मैंने अपने मैरिज पे यही कराया था, बिकॉज अब ये है कि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं, अब मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा है, मेरे घर में ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बट ये है कि अगर मैं ये वाली फील्ड में कोई नहीं आ रहा, कोई सच्चाई नहीं बता रहा, इतने लोग मतलब कि किसी को स्किन कैंसर भी हो रहा है गलत प्रोडक्ट्स के चक्कर में, बट ये फिर कौन बताएगा? हमें ही एज ए इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हम जाके लोगों को जागरूक करें। अगर कोई नहीं कर रहा, मतलब मैं भी चाहती थी कोई करना चालू हो जाए, लेकिन दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो हम ही कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने आप को केपेबल समझते तो हमें ही स्टार्ट करना चाहिए ये सब करना। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का आइडिया आपके पास कहाँ से है? बिकॉज मैं जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए एंड उनके डाउट्स थे, एंड दे रिकमेंडेड मी टू हैव अ स्टेज जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बिकॉज मैं जो भी शेयर करती हूँ मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, कुछ भी फेक है, कुछ भी वैसा नहीं होता है, सब कुछ रियल है। सो दे वॉन्टेड टू मीट मी एज वेल बहुत टाइम से, सो आई थॉट इट्स अ नाइस आइडिया टू ऑर्गेनाइज इन अ वेरी फॉर्मल वे, एंड उसके बाद हम वहाँ पर इंटरेक्टिव सेशन करेंगे तो लोग अपने क्लियर डाउट्स कर पाएंगे, बिकॉज सोशल मीडिया पर क्या होता है, मैं आपको कुछ बोल सकती हूँ, आप जो मुझे बोलोगे वो हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम दोनों आपस में कम्युनिकेट भी करेंगे एंड इजीली हमारी बातचीत होगी एंड मैं उनकी हेल्प कर सकेंगे। सो दिस इज द रीजन। मैंने फॉलोअर्स को सबको ये बताया है कि कौन कौन से जो ब्रांड्स हैं जो बिल्कुल सही बेचते हैं, मैंने रिकमेंड भी किया है, मैंने वो शॉप्स भी बताई हैं जहाँ पे ऑथेंटिक होता है, एंड वी हैव ऑल्सो शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप ऑथेंटिक एंड फेक का पता लगा सकते हो। हमने डॉक्टर्स के बारे में बताया जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, अगेन जो मेरे को टेस्ट मैंने किया वो सब कुछ मैंने बताया, तो जो भी मेरे को पता चला कि कुछ फेक है कुछ रियल है, मैंने उनको सब कुछ के बारे में बता दिया नॉलेज, सो दैट वो जाए मार्केट में जाके देखें एंड ऑनलाइन पे कम विश्वास करें, एंड अगर ऑनलाइन जा रहे हैं तो बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट से ही लें। मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, बिकॉज लोगों को लड़कियों को मेनली शॉपिंग यू नो ड्रेसेस एंड मेकअप का शौक होता है, सो मैंने अपनी मेकअप के टिप्स एंड ट्रिक्स, मैंने अपनी ड्रेसेस की, अपने हेयर स्टाइल्स की हर एक चीज़ शेयर की है अपनी क्लास में, ताकि उनको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए उसकी। तो इट्स नॉट कि मैं उनको सुंदर बनाना चाहती हूँ, बट उनको अवेयर करना चाहती हूँ, जो भी उनके डाउट्स हैं वो क्लियर करना चाहती हूँ।